डागरा से, ठीक है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो बनाई थी iTunes के बारे में। क्या बनाई थी? iTunes से रिपेयर कैसे करते हैं। लेकिन एक टूल्स और आता है, उसका नाम होता है थ्री टूल्स। क्या होता है? तो थ्री टूल्स से फाइल तो आपको वही कवर करेगी जो मैंने अभी आपको आगे वीडियो में बनाई थी, ठीक है। ठीक है, तो अब हम करते हैं थ्री टूल्स रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको, सबसे पहले गूगल पे जाते हैं और यहाँ लिखते हैं थ्री टूल्स। क्या लिखते हैं? थ्री टूल्स, ठीक है। थ्री टूल्स आपके लिए डाउनलोड, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया थ्री टूल्स द बेस्ट ऑल इन वन टूल्स। अब यहाँ क्लिक करना है, डाउनलोड पर जाना है आपको, और डाउनलोड जाने के बाद यहाँ क्लिक कर लो, सो ऑल पर क्लिक कर लो, और ये टूल्स आपका डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अब हम सोल फोल्डर पर जाएंगे और यहाँ पे आ गया थ्री टूल्स, आ गया। इस पर मुझे क्लिक करना है, यस कर देंगे, और यस करने के बाद इसे कर देंगे इंस्टॉल, इसे कर देंगे इंस्टॉल। ये हमारा क्या हो रहा है, थ्री टूल्स क्या हो रहा है, सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो रहा है। अब मुझे बहुत ही सरल है थ्री टूल्स। देखो, कई बार ऐसा भी होता है iTunes सेट फ्लैश नहीं होते हैं, तो इससे हो जाते हैं आराम से, ठीक है। तो आपको दोनों चीज आनी चाहिए कि हम iTunes कैसे रिपेयर करना है और थ्री टूल्स का यूज कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगा, ताकि आप कोई भी आपके पास आईफोन आता है तो उसमें अगर लॉक लगा हुआ है या पिन लॉक लगा हुआ है, तो पिन लॉक या आईफोन डिसेबल हो गया है, ठीक है, तो उसे कैसे हमें रिपेयर करना है। अब करना है लॉन्च पर क्लिक करना है, तो डेस्कटॉप आकर मुझे बन के आ जाएगा थ्री टूल्स, ठीक है, इस तरह के आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको सर्ट को ऑफ कर लेना पहले। देखो, अगर आपको आई नंबर चेक करना हो तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इस तरह के आपका आई नंबर शो कर जाएंगे, और फिर बैक जाएं। इसको सर्ट को पहले बंद कर लेते हैं, यानी कि स्विच ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है, इसको स्विच ऑफ कर लेता हूँ। अब बटन दबाएंगे होम की, क्या बटन दबाएंगे? होम की, होम की बटन दबाएंगे इस तरीके से हम। ठीक है, आ गया इस पर, ठीक है, इसे रख देंगे नीचे। क्या करना है? इसे ओके करना है। अब यहाँ पर आपकी iTunes विंडो, इस तरीके से हमारी विंडो खुल जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या काम करना है, हमें जाना है गो फ्लैश पर। देखो यहाँ पे आ रहा है iPhone 6 आ रहा है, बट iPhone 7.2 वर्जन आ रहा है, ठीक है, और ऐप लॉक। हम जाएंगे सबसे पहले गो फ्लैश पर। देखिए, अब यहाँ पर क्या ऑटोमेटिक आ रहा है आपका 12.5.5 वर्जन ऑटोमेटिक आपका आ रहा है, ठीक है। तो मतलब सबसे इसकी लेटेस्ट फर्मवेयर कौन सी है, 12.5.5। अब क्या काम करना, अगर हमें डाउनलोड करना हो तो यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं, डाउनलोड पर अगर डाउनलोड करनी हो तो यहीं से फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल, मेरे पास फाइल पहले से रखी हुई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, हम डाउनलोड नहीं करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे सिलेक्ट फर्मवेयर पर। कहाँ जाएंगे? ये वाली बात समझ आ गई, डाउनलोड कैसे करना फाइल को, यहीं से, ठीक है। किसी भी कोई भी आईफोन लगा दो कि आपकी लेटेस्ट फाइल आपको यहाँ से मिल जाएगी, आपकी इसी iTunes से, थ्री टूल से, ठीक है ना। ओके सर। तो अब यहाँ पे जाना है, सेलेक्ट फर्मवेयर पर क्लिक करना है, हमें जाना है इम्पोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे इम्पोर्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर हमें कहाँ जाना है, ड्राइव के अंदर जाना है, दिस पीसी, और आपका हम डी में चले गए और फर्मवेयर में गए, एप्पल के अंदर गए, आईफोन 6 के अंदर गए, और ये आपके आ गई फाइल, ठीक है, ये आपकी फाइल आपकी आ गई। अब मुझे क्या काम करना है, देखो यहाँ पे आता है रिटर्न यूजर डाटा। अगर आप बैकअप को चाहते हैं तो रिटर्न यूजर डाटा पर क्लिक कर सकते हैं, टिक मार लगा के फ्लैश कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, क्विक फ्लैश मोड, क्विक फ्लैश मोड पर क्लिक करना आपको, और यहाँ पे जाना है फ्लैश पर क्लिक करना है, सर आपका प्रॉपर तरीके फ्लैश हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर फ्लैश पर क्लिक करना है। यूजर डाटा पे जाएंगे तो बैकअप आपका आ जाता है, ठीक है। अब इस तरीके से क्या हो जाएगा, 4%, 5% और 10, 20, 50, 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, आपका प्रॉपर तरीके से आपका फ्लैश हो जाएगा, हो गया। नहीं, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ थ्री टूल सेट को रिपेयर कैसे करते हैं।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है या एरर बता देता है या फेस सेट फ्लैश नहीं हो रहा, प्लीज़ मुझे आप कमेंट करिए, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उसे रिपेयर करना है। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब शेयर करो और खुद भी कमेंट करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पर हम लोग कोर्स कराते हैं लैपटॉप रिपेयरिंग का, मोबाइल रिपेयरिंग का, LCD स्मार्ट TV का, ठीक है। तो अभी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, अगर आपको एडमिशन लेना है या ज्वाइन करना है तो आप आ सकते हैं, हमारे हाईटेक आ सकते हैं, आप विजिट भी ले सकते हैं, ताकि आप आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है। नौकरी अच्छा है कि एक बार हाथ तो होना सीख जाएंगे, जिंदगी भर पैसे कमाएंगे आप, ठीक है ना। तो अभी सब क्लैश हो रहा है, इसको होने दो। इस तरीके से क्या है, परसेंटेज बढ़ती जाएगी, ठीक है, और इसकी 100% हो जाएगा। इधर हम देखते हैं तो इधर क्या है, आईफोन इस तरीके से लाइन चल रही है, ठीक है। अभी सेट क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से आपका लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, सेट क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा पूरा प्रॉपर। तो सेट फ्लैश हो रहा है अभी, कई 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है इसे फ्लैश होने में। अभी देखो देखो अभी ये 60% हुआ है, ठीक है, 60% हो गया है। अगर नीचे हम देखते हैं 60% पे इतनी देखो सेट फ्लैश हो गया है इतना। अब ये देखो 80% हो गया हुआ, देखिए जिस तरीके से वहाँ से परसेंटेज बढ़ रहा है उस तरीके से यहाँ पर भी परसेंटेज बढ़ रहा है, ठीक है। अब तो थोड़ा सा बचा हुआ यहाँ पर भी, ये अभी क्या है, यहाँ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एप्पल का लोगो बन के आ गया, अभी सेट क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। तो आपके सबको समझ में आ गया, जो आवाज़ नहीं आ रही सबके समझ में आ गया, वेरी गुड, थैंक यू फ्रॉम सो मच हाईटेक इंस्टीट्यूट।